सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अंदरूनी और बाहर की जितनी जानकारी हमें आईबी, रॉ, ये सब एजेंसीज देती हैं, उसके आधार पर मैडम केंद्र राज्यों को पूरी जानकारी देता है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होने वाली है। पूर्व की यूपीए सरकार के समय पूरा प्रयास किया गया कि जितनी एजेंसीज थी उनका मनोबल भी तोड़ दिया जाए और जितने ईमानदार व्यक्ति थे उनको भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया, तो पूर्व की यूपीए सरकार के समय किया गया। उस समय के गृह मंत्री ने मैडम, जो एक समय पर वित्त मंत्री भी रहे, और उस समय निशिकांत जी ने एक दिन अपने भाषण में भी कहा कि वो देश के खातों को संभालने की बजाय चिदंबरम जी अपने बेटे के खातों को संभालने में लगे रहे। नाम किसी का लेकिन लेकिन दूसरी और नाम ले मैडम, मैडम ये तो रिकॉर्ड पर है। मैडम मैडम स्पीकर अपनी बात कहिए। अगर आप देखिए पूर्व बोल दिया मैंने नो नेम प्लीज ये अनुराग जी स्पीकर मैडम स्पीकर मैडम नो नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली अनुराग सिंह ठाकुर की बात जाएगी ये आपस में ऐसा नहीं स्पीकर मैडम यस देश की सुरक्षा लेना आपको मालूम है बगैर नाम के मैडम मैडम बगैर नाम के मैडम देश की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ईमानदार अधिकारी उस समय काम कर रहे थे उनको प्रताड़ित करके उनको दबाने का प्रयास किया गया और जो सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली। मैडम ये इसलिए जरूरी है कि 2004 से लेकर 2016 हो गए मैडम, 12 साल हो गए, आज भी अगर हम देखें जो ईमानदार अधिकारी थे आज भी उनको कोई उसमें न्याय नहीं मिल पाया, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे क्या उनके खिलाफ आज की सरकार ने कोई कार्रवाई की है? इशरत जहां केस में मैडम, जो पूर्व की यूपीए सरकार अपने समय ये कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं, जब उन्होंने कहा, साथ ही साथ लश्कर तैयबा की वेबसाइट ने भी उसको अपना ये पहले उसको अपना नहीं बात उसको अपना शहीद घोषित करने के बजाय उसको कह दिया कि हमारी जिहादी नहीं थी। इसका मतलब जिस तरह से कांग्रेस निर्णय लेती थी उसी तरह से लश्कर तैयबा भी साथ के साथ निर्णय किया करती थी। मैडम मुझे आपके माध्यम से पूछना है, दो बार इस पर चर्चा हुई, दो क्या कहा मैं, ये मैडम रिकॉर्ड पर है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय की यूपीए सरकार ने कहा कि एफिडेविट में बदलाव किया, उसी दिन बदलाव उनकी वेबसाइट पर भी हुआ। ये किसी से छिपा नहीं मैडम, इसी हाउस में इसकी चर्चा हुई। मुझे आपके माध्यम से केवल गृह मंत्री से इतना पूछना है, वो बार बार स्टेटमेंट बाहर देते मैडम, आपके माध्यम से जो उन्होंने रिपोर्ट जो कमेटी को पूछा गया कि जो फाइल्स मिसिंग थी क्या वो फाइल्स वापस मिल पाई है? चिदंबरम जी के समय जो फाइल्स उन्होंने कहा कि मैंने एफिडेविट साइन नहीं किया, मैंने उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, उन्होंने कहा कि एज मिनिस्टर व्हेन इट वाज ब्रॉट टू माय नोटिस दैट द फर्स्ट एफिडेविट वाज एम्बिगुअस व्हिच वाज फाइल्ड विदाउट माय अप्रूवल इट वाज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड एंड इट वाज माय ड्यूटी टू करेक्ट द फर्स्ट एफिडेविट सो वी फाइल्ड अ सप्लीमेंटरी एफिडेविट आफ्टर कंसल्टिंग द होम सेक्रेटरी द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर ऑफिसर्स। मैडम इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने पहला एफिडेविट चेंज किया, लेकिन अब उन्होंने बाद में कह दिया कि मुझे ये याद नहीं कि मेरे उस पर हस्ताक्षर थे या नहीं। क्या केंद्र सरकार फोरेंसिक लैब को भेज कर ये पता करवाएगी कि उन्होंने पहले पे साइन किए ना किए? केंद्र सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की और कांग्रेस पार्टी ने भी गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जो अफजर को कहते हैं कि उनकी फांसी समय से पहले हो गई, तो क्या कांग्रेस उनसे सहमत है? और जो ये कहते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थी, तो क्या आप मानते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थी? इसका पता चलना चाहिए और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की।